हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है भारतीय दंड संहिता 1860, इंडियन पिनल कोड 1860। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर पर है आपका अध्याय 8, जिसमें बताया गया है लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध। लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध मतलब कोई व्यक्ति लोक शांति बोलिए या लोक प्रशांति बोलिए, दोनों एक ही है। यदि कोई व्यक्ति लोक प्रशांति के विरुद्ध कोई अपराध करता है, यानी लोक शांति को भंग करने का प्रयास करता है, तो उस कंडीशन में मतलब किस किस धारा में इसके बारे में बताया गया है, किस किस तरीके से वो लोक शांति को भंग कर सकता है और उसके लिए किस प्रकार की सजा का प्रावधान है। तो ये जो आपका अध्याय 8 है उसमें कुल चार प्रकार बताए गए हैं जिस कंडीशन में आपकी लोक शांति भंग हो सकती है। देखिए, सबसे पहले नंबर पर है आपके विधि के विरुद्ध जमाव। विधि के विरुद्ध जमाव ये बताया गया है आपका धारा 141 के अंतर्गत। धारा 141 के अंतर्गत बताया गया है विधि के विरुद्ध जमाव। देखिए, विधि के विरुद्ध जमाव, इस विधि के विरुद्ध जमाव में पहली चीज याद रखिएगा कि क्या होता है कि जैसे आपका केंद्र सरकार हो गया या राज्य सरकार हो गया, इसके द्वारा कोई आदेश जारी किया जाता है या संसद के द्वारा कोई आदेश जारी किया जाता है या सरकार के द्वारा कोई ऐसा विधि बनाया जाता है जिसके विरुद्ध में लोग इकट्ठा होकर के अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं। देखिए, विरोध प्रदर्शन कई तरीके से होता है, जैसे आपके अन्ना हजारे भी करते हैं, आपका केजरीवाल है, वो भी आपका विरोध प्रदर्शन करते हैं, लेकिन वो क्या है, शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन करते हैं। सरकार की नीतियों के विरुद्ध जो विरोध प्रदर्शन किया जाता है वो यदि शांतिपूर्ण ढंग से हो तो वो आपका विधि के विरुद्ध जमाव नहीं कहलाता, लेकिन वो यदि आपका आपराधिक बल में परिवर्तित हो जाए, आप इकट्ठा होकर के एक प्रकार का बल प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के नीतियों के विरुद्ध, तब वो कहलाता है आपके विधि के विरुद्ध जमाव। तो विधि के विरुद्ध जमाव में जो कंडीशन है, पहली बात तो 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, उसके अलावा ये जो आपके 5 या 5 से अधिक व्यक्ति है वो किसी एक सामान्य उद्देश्य के लिए ये आपका जमाव कर रहे हैं, और तीसरा वो जो जमाव है वो एक प्रकार का अपना आपराधिक बल, अपना बल प्रदर्शन कर रहा है। ठीक, सामान्य रूप से होता है तो वो आपराधिक जमाव नहीं है, लेकिन वही यदि जमाव एक प्रकार का आपका आपराधिक बल का प्रदर्शन करता है तो उस कंडीशन पर वह विधि के विरुद्ध जमाव कहलाता है। देखिए क्या बोल रहा है, आपराधिक बल का प्रदर्शन, विधि निष्पादन प्रतिरोध, यानी वही सरकार की नीतियों, जिस सरकार ने एक कानून का निष्पादन किया उसके लिए आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन किस प्रकार का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आपराधिक बल का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा किसी व्यक्ति के विरुद्ध, जरूरी नहीं है कि आप सरकार के विरुद्ध ही आप बल का प्रदर्शन करें, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध भी आप आपका क्या बोलते हैं जमाव इकट्ठा करके, 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव इकट्ठा करके किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के विरुद्ध भी आपराधिक बल का प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति से वंचित, देखिए सार्वजनिक संपत्ति से वंचित इसका कंडीशन क्या है, इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे गाँव में क्या होता है, गाँव का कोई एक परिवार किसी भी प्रकार का एक गलती कर देता है तो पूरा का पूरा गाँव उन्हें बहिष्कार कर देता है। ठीक, पूरा का पूरा गांव उसके परिवार को बहिष्कृत कर देता है, या जो सार्वजनिक आपके पानी पीने का जो कुआं है वहां से पानी भरने का उसके अधिकार से वंचित कर देता है, तो वो भी कहलाता है। उस कंडीशन में क्या है, वो भी विधि के विरुद्ध जमाव, मतलब पूरे के पूरे गांव वाले एक तरफ हो गए जो कि आपराधिक बल का प्रदर्शन कर रहे हैं सामान्य उद्देश्य, मतलब वो परिवार को पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। तो वही है क्या बोल रहा है, सार्वजनिक संपत्ति से वंचित करना भी विधि के विरुद्ध जमाव के अंतर्गत आएगा। ठीक, यदि आपराधिक बल का प्रदर्शन, विधि के निष्पादन में प्रतिरोध, किसी व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिरोध, आपका सार्वजनिक संपत्ति से वंचित करना, ऐसे कोई भी कंडीशन आते हैं तो उसमें आपका धारा 143 के अंतर्गत आपके 6 माह की सजा का प्रावधान है। इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आए दिन पत्थरबाजी होती है। देखिए वहाँ क्या है, 5 से अधिक व्यक्ति वहाँ जम्मू कश्मीर में होते ही है अधिकतर, सामान्य उद्देश्य है जो कि आपका भारत का जो कानून है वो आपका जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होने देना चाहते हैं, और आपके आपराधिक बल का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस जो आपका धारा 41 का जीता जाता उदाहरण है आपका जम्मू कश्मीर की पत्थरबाजी, वहां पर जम्मू कश्मीर में हमेशा आपका धारा 143 लागू रहता है, जहां पे क्या होगा, 5 से अधिक व्यक्ति यदि एक साथ इकट्ठा पाए गए तो उन्हें सीधा जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका 2, जिसमें बताया गया, ये सेकेंड नंबर का अपराध है, इसमें बताया गया बलवा के बारे में। सॉरी, काफ़ी गर्मी है, टॉप फ्लोर होने के कारण ये रूम इतना गर्म रहता है कि यहाँ खड़े रहना मुश्किल है, पंखा चालू नहीं कर सकता, पंखा चालू करूँगा तो आवाज़ आपको स्पष्ट रूप से आएगी नहीं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, देखिए नेक्स्ट है आपका बलवा। बलवा ये भी क्या है, ये भी एक तरीके का जमाव ही है, विधि के विरुद्ध जमाव ही है। बलवा के बारे में बताया गया है आपके सेक्शन 146 धारा 186 में।
इसमें भी क्या है, पांच या उससे अधिक व्यक्ति यदि एक साथ इकट्ठा हो जाए, विधि के विरुद्ध पांच या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ इकट्ठा हो जाए और वो जो आपके भीड़ जो इकट्ठा हुई है वो बलपूर्वक हिंसा में परिवर्तित हो जाए। देखिए यहां तो बल का प्रदर्शन कर रहे थे, केवल प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब वो हिंसा में परिवर्तित हो जाए, यानी किसी व्यक्ति को इससे नुकसान हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या है, ये जो आपका विधि के विरुद्ध जमाव है वो आपके बलवा में परिवर्तित हो जाएगा। बलवा में इंपॉर्टेंट क्या है याद रखने के लिए, हिंसा। यदि जो विधि के विरुद्ध यदि जो जमाव है वो आपका हिंसा में परिवर्तित हो जाए तो वो कहलाता है आपका बलवा। इस बलवा के कंडीशन में आपका, इसको भी याद रखिएगा, पांच से अधिक व्यक्ति का होना आवश्यक है। इस कंडीशन में 2 साल की सजा का प्रावधान है धारा 147 के अंतर्गत। धारा 147 के अंतर्गत बलवा के कंडीशन में आपका 2 साल की सजा का प्रावधान है। देखिए वर्गों में शत्रुता को बढ़ाना, वर्गों में शत्रुता को बढ़ाना, वर्गों मतलब यहाँ धर्म जाति की बात हो रही है, धर्म जाति जैसे आपका हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जाति मतलब उच्च जाति निम्न जाति, इसकी बात हो रही है। ठीक, वर्गों में शत्रुता को बढ़ावा देना, धारा 153 ए के अंतर्गत इसे बताया गया है। देखिए धर्म, मूलवंश, जन्म, निवास स्थान और आपका भाषा के आधार पर यदि वर्गों में शत्रुता को बढ़ावा देने का यदि कोई व्यक्ति प्रयास कर रहा है तो उसे अपराध माना जाएगा, इसके लिए 3 साल की सजा का प्रावधान है। ठीक, नेक्स्ट है आपका दंगा। दंगा जो कि बताया गया है आपका धारा 159 के अंतर्गत, 159 के अंतर्गत आपके दंगा के बारे में बताया गया। देखिए ये जो सेक्शन है ना, ये सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट है, याद करते चलिएगा, ये सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। दंगा किस धारा के अंतर्गत बताया गया है, बलवा किस धारा के अंतर्गत बताया गया है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। देखिए दो या दो से अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर शांति में विघ्न डाल रहे हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी लोक स्थान पर लड़ करके वहां की शांति व्यवस्था को भंग कर रहे हैं, शांति में विघ्न डाल रहे हैं, मतलब किसी बस स्टैंड पे दो व्यक्ति लड़ाई कर रहे हैं, या किसी हॉस्पिटल में हो गया, या किसी आपका पब्लिक प्लेस, कोई भी पब्लिक प्लेस में अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में लड़ाई कर रहे हैं तो उस कंडीशन में, देखिए यहां क्या बोल रहा है, दो व्यक्ति, अधिकतर प्रश्नों में यह पूछा जाता है कि दंगा में कितने व्यक्ति, किस कंडीशन में दंगा, मतलब कितने दंगा में कितने व्यक्ति होना आवश्यक है, ऐसा टाइप का प्रश्न है। मैं इसका क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा हूँ, क्वेश्चन किस प्रकार से रहेंगे आपको मालूम चल जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना आवश्यक है, बलवा में 5 से अधिक व्यक्ति का होना आवश्यक है, विधि के विरुद्ध जमाव में भी 5 से अधिक व्यक्ति का होना आवश्यक है। ठीक, अगर ऐसा कोई कंडीशन होता, दंगा का कोई कंडीशन होता जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लोक स्थान पर लड़ करके वहां की शांति व्यवस्था को बाधित कर रहे हैं तो उसमें धारा 160 के अंतर्गत उन्हें 1 माह की सजा का प्रावधान है। देखिए जो मैं आपको बता रहा हूं ये सब इंपॉर्टेंट है, 5 व्यक्ति यहां पे भी, 5 व्यक्ति यहां पे, 2 व्यक्ति, ये प्रश्न पूछे गए हैं विधि के विरुद्ध जमाव के लिए कितने व्यक्ति का होना आवश्यक है, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति का होना आवश्यक है, दंगे के लिए 2 या 2 से अधिक, बलवा के लिए 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव होना आवश्यक है। ठीक, देखिए नेक्स्ट है आपका अध्याय 10, जिसमें लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार का अवमान, मतलब लोक सेवकों के जो मतलब विधिपूर्ण वो अपनी कार्यवाही कर रहे हैं तो उस कंडीशन पे यदि आप मतलब किसी प्रकार का गलत साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं या उनके कार्यवाही में किसी प्रकार का बाधा डालते हैं उसके बारे में बताया गया। देखिए धारा 177 जिसमें मिथ्या इंतिला देने के बारे में बताया गया, मिथ्या इतिला देने के बारे में बताया गया, इतिला मतलब मिथ्या सूचना देना। ठीक, सूचना देना, आप पिक्चरों में सुने होंगे, बोलते हैं पुलिस वाले यदि कोई भी खबर मिले तो हमें इतिला कर देना, इतिला कर देना मतलब सूचित करना ही होता है। ठीक, तो धारा 177 के अंतर्गत मिथ्या इतिला के बारे में बताया गया है। देखिए इसका एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए राम के पास एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है, उसके फार्म हाउस में एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को मार करके राम के फार्म हाउस में फेंक दिया। राम ने उस व्यक्ति को मारते हुए देखा है, जिस व्यक्ति ने मर्डर किया है उसे राम ने देखा है, लेकिन जब राम से पूछताछ की गई तो राम ने मतलब गलत सूचना दिया कि पुलिस को सूचना दिया कि मेरे फार्म हाउस में एक व्यक्ति मरा हुआ है, उसे सांप ने काट दिया, सांप के काटने से वो व्यक्ति मर गया। ठीक, पुलिस आई, पुलिस ने मान लिया कि ठीक है व्यक्ति को सांप ने काटा होगा जिसके कारण व्यक्ति मर गया, लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो मालूम चला कि उस व्यक्ति की हत्या गला घोट कर की गई है। तो इस कंडीशन में फंसा कौन, राम, जो जिसने हत्या की उसको तो अलग सजा का प्रावधान है, लेकिन जिसने आपका मिथ्या इत्तिला किया कि सांप के काटने से एक व्यक्ति उसके फार्म हाउस में मरा हुआ है, तो उस कंडीशन में राम को भी सजा
क्या होगी। देखिए इसमें 6 माह का सादा कारावास, 6 माह का सादा कारावास और 1,000 रुपये जुर्माना का प्रावधान है। यदि आप किसी लोक प्राधिकारी को मिथ्या इत्तिला करते हैं, ठीक है, गलत तरीके से उन्हें सूचित करते हैं, आपको पता है तो सूचित कीजिए, नहीं पता है तो मत सूचित कीजिए। किसी लोक प्राधिकारी को गलत सूचना देने की यदि आप कोशिश करते हैं तो उस कंडीशन में 6 माह की सादा कारावास या 1,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। ठीक, देखिए धारा 186 के अंतर्गत आपके लोक सेवक के कार्यों में बाधा के बारे में बताया गया। लोक सेवक के कार्यों में बाधा मतलब जैसे किसी जगह पे भाई आपका अवैध कब्जा है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि अवैध कब्जा को हटाया जाए। अब पुलिस जेसीबी लेकर के वहाँ पे अवैध कब्जा को हटाने के लिए चले गई, लेकिन वहाँ पे भीड़ इकट्ठा होकर के उन्हें उनके कार्य करने से रोक रही है। मतलब क्या कर रहे हैं, लोक सेवकों के कार्यों में बाधा पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस कंडीशन पे पुलिस क्या है, एक्शन लेते हुए 3-4 लोगों को पकड़ करके कारावास में डाल देगी। वैसे 3 माह के सादा कारावास का प्रावधान है, लेकिन 2-3 दिन में ही छोड़ दिया जाता है। अगर एकदम स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाए तो 3 माह के कारावास और 500 रुपये जुर्माना का प्रावधान इस सेक्शन के अंतर्गत इस दंड संहिता में है। ठीक, देखिए नेक्स्ट अध्याय 11 जिसमें मिथ्या साक्ष्य एवं लोक न्याय के विरुद्ध जो अपराध किए जाते हैं उसके बारे में बताया गया है। देखिए धारा 191 जिसमें बताया गया है मिथ्या साक्ष्य देना, धारा 192 जिसमें बताया गया है मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। ठीक, देखिए मिथ्या साक्ष्य देना मतलब कोई एक न्यायिक कार्यवाही हो रही है, उस कंडीशन में यदि आप कोई मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, कोई मिथ्या साक्ष्य यदि आप प्रस्तुत करते हैं, है ना, मतलब फॉल्स एविडेंस यदि आप प्रस्तुत करते हैं तो उस कंडीशन में उसके बारे में बताया गया। देखिए यदि आपको मालूम है कि आप जो साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं वह गलत है, या तो कथन से मतलब बोल करके मौखिक तौर पर, या कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करके जिसकी जानकारी आपको है कि मैं गलत तरीके से साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा हूँ, गलत तरीके से मतलब डॉक्यूमेंट है और वो डॉक्यूमेंट एडिटेड है। ठीक, कई बार होता है जैसे आप कोई फोटो कोर्ट में पेश कर रहे हैं जो कि आपका फोटोशॉप किया हुआ है, या कोई वीडियो है वो उसमें भी छेड़खानी की गई है। मतलब आपको मालूम है कि आप जो साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं वो गलत है, आपका एविडेंस रॉन्ग है। ठीक, तो उस कंडीशन पे मिथ्या साक्ष्य देने के केस में भी आप अपराधी कहलाएंगे। मिथ्या साक्ष्य गढ़ना मतलब क्या है, आप एक तरीके से फैब्रिकेशन मतलब एक पूरा आप क्या है, जैसे बोलते हैं ना एक प्रकार का कहानी गढ़ना, वैसे ही है एक झूठी कहानी गढ़ना, वैसे टाइप का, जैसे फैब्रिकेशन फैब्रिकेटिंग ऑफ फॉल्स एविडेंस। ठीक, मतलब गलत साक्ष्य गढ़ना। जैसे क्या होता है, राम और श्याम है। ठीक, तो क्या कर रहा है, श्याम के पास एक पेटी है। अब क्या करेगा राम श्याम को फंसाना चाहता है, तो राम अपने सारे के सारे जेवर श्याम के पेटी में छुपा करके रख देता है और पुलिस को बुलाता है कि मेरी जेवर चोरी हो गए। अब पुलिस आएगी, चेकिंग करेगी, तो किसके बक्से से निकलेगा वो जेवर, वो निकलेगा आपके श्याम के जेवर से। मतलब यहां पर राम ने श्याम को फंसाने की कोशिश करी। अगर इन फ्यूचर जैसे वैसे कार्यवाही होगी, जांच होगी, और उसके बाद अगर मालूम चला कि राम ने ही इसे जबरदस्ती फंसाने की कोशिश किया है, तो उस कंडीशन पे राम को गलत साक्ष्य गढ़ने के कारण उसे भी अपराधी समझा जाएगा। अब ये दोनों कंडीशन के लिए मिथ्या साक्ष्य यदि कोई प्रस्तुत करता है, या मिथ्या साक्ष्य देता है, या मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है, तो उस कंडीशन पे भी दंड का प्रावधान है। जैसे न्यायिक कार्यवाही के दौरान मतलब कोर्ट में आपको प्रस्तुत किया गया है, कोई एक केस चल रहा है जिसमें कोर्ट में आपको प्रस्तुत किया है और आपने कोई गलत साक्ष्य दिया है, तो उस कंडीशन में क्या है, 7 साल की सजा का प्रावधान है। अन्य मामलों में जैसे क्या होता है, कई बार ऑफिस के टेंडर भरे जाते हैं, बहुत बड़े बड़े कंपनी में कॉर्पोरेट सेक्टर में टेंडर भरे जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी आप क्या करते हैं, टेंडर में कुछ छेड़खानी करके अपने टेंडर को पास कराने की कोशिश करते हैं, तो वो ऐसा नहीं है। न्यायिक कार्यवाही मतलब जो कोर्ट में चल रहा है केस, वो हो गया। अन्य मामलों में यदि किसी को मालूम चला, आपके ऑफिस हेड को मालूम चल गया कि आपने टेंडर से छेड़खानी करी है, तो आप केस कर सकता है कि ये हमारे जो है एक प्रकार का मिथ्या साक्ष्य गढ़ रहा है हमारे विरुद्ध, तो वो केस करेगा, तो उस कंडीशन में 3 साल की सजा का प्रावधान है। अगर न्यायिक कार्यवाही चल रही है, एट प्रेजेंट अगर कार्यवाही चल रही है, उस समय यदि आप मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उस कंडीशन पे 7 साल की सजा का प्रावधान है और अन्य मामलों में 3 साल की सजा का प्रावधान है। ठीक, अब देखिए धारा 194, ये इंपॉर्टेंट है, मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध करने पर। मतलब मान लीजिए किसी एक व्यक्ति के ऊपर, मतलब एक व्यक्ति है जो फंसा हुआ है किसी केस में, और आपने साक्ष्य प्रस्तुत किया, आपने मिथ्या साक्ष्य मतलब फॉल्स एविडेंस वहां पे प्रस्तुत किया, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, उस व्यक्ति को जिस पर केस चल रहा है उसे मृत्यु की सजा हो गई। ठीक, उसे मृत्यु के दंड दे दिया गया कोर्ट के द्वारा, लेकिन कोर्ट के द्वारा
दंड तो दिया गया, जब जांच कमेटी बैठेगी और थोड़ा और उस पर जांच होगा तो मालूम चलेगा कि आपने गलत साक्ष्य प्रस्तुत करके उस व्यक्ति को मृत्यु के दंड की सजा सुनवाई है। मतलब आपके गलत साक्ष्य के कारण उस व्यक्ति को मृत्यु की सजा कोर्ट के द्वारा दी गई है, तो उस कंडीशन में आप पर मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत करने के कंडीशन पे, कब, जब व्यक्ति को मृत्यु की सजा से दंडनीय अपराध मतलब दंड दिया गया है, उस कंडीशन पे आजीवन कारावास की सजा या 10 साल के कठोर कारावास की सजा का प्रावधान है। देखिए अभी क्या है, मृत्यु के सजा से दंड दिया गया यानी व्यक्ति को दंड दिया गया है लेकिन व्यक्ति को फांसी पे चढ़ाया नहीं गया है। अब समझ लीजिए अगर कोई निर्दोष व्यक्ति, सरकार जो है आपका न्यायालय है, न्यायालय ने उस व्यक्ति को मृत्यु के दंड का सजा भी दे दिया और उस व्यक्ति को फांसी पे भी चढ़ा दिया, इस कंडीशन में क्या है, मृत्यु का दंड दिया गया है लेकिन फांसी पे चढ़ाया नहीं गया है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, मृत्यु की सजा दे भी दी गई और उस व्यक्ति को फांसी पे चढ़ा भी दिया गया, तो क्या बोल रहा है, निर्दोष व्यक्ति पर दोष सिद्ध होने पर और उसे फांसी दे दी जाए, ठीक, यानी आपने एक गलत साक्ष्य प्रस्तुत किया, उसे न्यायालय ने मृत्यु की सजा दे दी और उसे फांसी हो गई, मतलब वो निर्दोष व्यक्ति फांसी पे चढ़ गया, वो व्यक्ति मर गया। अब बाद में और जांच होती है और मालूम चलता है कि आपके मिथ्या साक्ष्य के कारण वह निर्दोष व्यक्ति पे दोष सिद्ध हुआ और उसे फांसी की सजा हो गई और वो व्यक्ति मर चुका है, तो उस कंडीशन पर आपको भी मृत्यु दंड की सजा होगी। ठीक, समझिएगा, इस कंडीशन पर मृत्यु की सजा हुई है लेकिन व्यक्ति को फांसी की सजा नहीं हुई है, न्यायालय ने उसे मृत्यु दंड की सजा दी है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आज मृत्यु दंड की न्यायालय ने सजा दे दी तो कल उसको फांसी पर चढ़ा देंगे, कुछ समय दिया जाता है कि इसी तारीख को उसे फांसी पर चढ़ाया जाए, तो उस बीच में यदि कहीं से मालूम चलता है कि आपके मिथ्या साक्ष्य के कारण इस व्यक्ति को मृत्यु की सजा हुई है, तो उस कंडीशन पे आपको आजीवन कारावास से 10 साल का कठोर कारावास का सजा होगा। ठीक, लेकिन आपने यदि मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत किया है और उस व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा हुई और उसे फांसी भी हो गई और व्यक्ति मर गया, तो उस कंडीशन पे क्या होगा कि आपको भी मृत्यु दंड की सजा सुना दी जाएगी। ठीक, नेक्स्ट, अपराधी को संश्रय, अपराधी को संश्रय मतलब देखिए अगर किसी व्यक्ति पर दोष सिद्ध हो चुका है और वो उसे आप छुपा करके रख रहे हैं, उसे आसरा दे करके अपने घर में छुपा करके रख रहे हैं, तो उस कंडीशन पे देखिए अगर जो अपराधी है उसे मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई है, कोई अपराधी है जिसने कोई अपराध किया है जिसके लिए न्यायालय ने उसे मृत्यु दंड की सजा सुनाई है और आप उसे संश्रय दे करके छुपा करके रख रहे हैं, तो उस कंडीशन पे आपको 5 साल की सजा होगी। कोई अपराधी है जिसे आपके आजीवन कारावास की सजा हुई है और उसे आप संश्रय दे करके छुपा करके अपने घर में रख रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको 3 साल की सजा होगी। ये बताया गया है आपका धारा 212 के अंतर्गत। देखिए नेक्स्ट है आपका न्यायालय का अवमान, न्यायालय का अवमान फॉर एग्जांपल जैसे कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में जैसे देखे होंगे जज जो है पकड़ के ऑर्डर करते रहता है, बहुत उसका दिमाग खराब होता है तो वो सीधा बोलता है कि तुमको जेल के अंदर डलवा दूंगा। वही है यदि कोर्ट में कार्यवाही चल रही है और आप कोर्ट में जो है कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, ठीक, मतलब कोर्ट की जो कार्यवाही पे विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं, तो उस कंडीशन पे जो न्यायालय है, न्यायालय कोर्ट की चल रही कार्यवाही में विघ्न डालने के कारण इसे न्यायालय का अवमान समझ करके धारा 228 के अंतर्गत आपको 6 माह का सादा कारावास और 1,000 रुपए तक के जुर्माना दे सकता है। ठीक, मतलब आपको 6 माह के सादा कारावास की सजा होगी। देखिए नेक्स्ट है आपका अध्याय 12 जिसमें सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराध के बारे में बताया गया है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको ये सेक्शन याद रखना है। धारा 230 से लेकर के धारा 263 के मध्य आपके सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित आपके अपराध के बारे में बताया गया है। अगर इससे प्रश्न पूछता है कि मतलब प्रश्न में यदि आप कहीं भी देख रहे हैं सिक्का लिखा हुआ या स्टाम्प लिखा हुआ और उसमें यदि सेक्शन 230 से 263 के मध्य कोई भी एक सेक्शन, ऐसा नहीं है कि सारे सेक्शन 230 से 263 के मध्य देगा, थोड़ा आगे पीछे करके देगा, ठीक, तो 230 से 263 के मध्य यदि कोई भी सेक्शन दिखा और सिक्कों और स्टाम्प से संबंधित यदि वह प्रश्न है तो इन धाराओं के बीच में से कोई भी एक सेक्शन दिया रहेगा उसे टिक मार्क कर दीजिएगा। ठीक, एक तो सेक्शन याद रखिएगा, धारा 265 से लेकर के 263 तक, धारा 265 से लेकर के 263 तक सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराध के बारे में बताया गया। सरकारी स्टाम्प मतलब जो आपके 500 रुपए के स्टाम्प रहते हैं, 50 रुपए के, 100 रुपए के जो स्टाम्प रहते हैं, ठीक, तो उसके छपाई से संबंधित, उसका जो मुद्रणालय है उससे संबंधित जो भी आपका अपराध है उसके बारे में बताया गया है, धारा 255 से लेकर 263। ठीक, नेक्स्ट है आपका अध्याय
13 देखिए, मैं यहाँ पर आपका एक अध्याय छोड़ा हूँ, अध्याय 9। अध्याय 9 उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने पूरे के पूरे चैप्टर छोड़ दिए हैं। ठीक, तो कोई ये कमेंट करके मत पूछना कि अध्याय 9 मैंने पढ़ाया नहीं, इम्पॉर्टेंट नहीं है। देखिए, अध्याय 13 जिसे बताया गया है बाटो और मापो से संबंधित अपराध। बाटो और मापो से संबंधित अपराध यानी कोई व्यक्ति नाप तौल में गड़बड़ी करता है। नाप तौल में यदि कोई व्यक्ति गड़बड़ी करता है, मतलब 1 किलो के सामान की जगह आपको 900 ग्राम ही सामान पकड़ा रहा है, 100 रुपये की वो क्या कर रहा है, आपका घोटाला कर रहा है समझ लीजिए, तो उस कंडीशन में भी अपराध का प्रारंभ है, मतलब प्रावधान है। देखिए धारा जो 264, एक ही धारा इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट है। धारा 264 के अंतर्गत बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति खोटा काम करता है, खोटा काम करता है मतलब वो जानबूझ करके ये जो आपके नापतौल में या आपके जो मापन है, जो सामान वो बेच रहा है, उसे मालूम है कि मैं जानबूझ करके कम सामान दे रहा हूं, तो उस कंडीशन पे यदि वो कोई खोटा काम करता है और वह पकड़ा गया, ठीक, यदि उस पर दोष सिद्ध हो गया मतलब उसने अपराध किया, तो इस कंडीशन में उसे 1 साल की सजा का प्रावधान है। ठीक, खोटा होने की कंडीशन में मतलब उसकी जानकारी। देखिए कई बार क्या होता है, मशीन भी गड़बड़ होता है, लेकिन किसी व्यक्ति ने जानबूझ करके मशीन में काम करवा के रखा है, या आपको मालूम होगा जो पहले तराजू आता था, तराजू के नीचे चुंबक लगा देते थे, ठीक, मतलब कुछ किलोग्राम अंदर कर लेने के चक्कर में, 1 किलो के चक्कर में 900 ग्राम ही आपको मतलब सामान मिलता था, तो उसके लिए क्या है, पहले चुंबक चिपका देते तराजू के नीचे। आज के मशीनों में सेटिंग की जाती है, अगर कभी से कार्यवाही की गई और पता चला कि इसने मशीन में काम किया है या आपका वही तराजू के नीचे चुंबक लगाया है, तो उस कंडीशन पे उसे खोटा होना समझा जाएगा और उसे 1 साल तक की सजा हो सकती है। ठीक, देखिए अध्याय 14 जिसमें लोक स्वास्थ्य क्षेम सुविधा शिष्टा और सदाचार पर प्रभाव किससे संबंधित है। देखिए ये क्या है, अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार से लोक स्वास्थ्य को, लोक सुविधा को अगर प्रभावित करता है, या लोक शिष्टा को या सदाचार को प्रभावित करता है, तो वो भी अपराध समझा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एक सार्वजनिक मार्ग है, अब सार्वजनिक मार्ग में किसी ने क्या किया, बीच में बहुत सारे पत्थर का ढेर, मतलब अब उसको घर बनाना होगा तो बीच में ही बहुत सारा गिट्टी का ढेर आपका इकट्ठा कर दिया, उस कंडीशन में क्या है, मार्ग अवरुद्ध हो गया। ठीक, या फिर आप रात के समय सो रहे हैं और कोई किसी के घर के बगल में प्रिंटिंग प्रेस है, वो रात के 12-1 बजे प्रिंटिंग प्रेस चला करके आपको परेशान कर रहा है, या आपके मोहल्ले में कोई व्यक्ति जुआ खिलवा रहा है, तो ये सारे के सारे अपराध है, ये भी इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन ही पढ़ेंगे जो हमारे लिए जानना जरूरी है। देखिए धारा 272 के अंतर्गत खाद्य एवं पेय पदार्थ अपमिश्रण के बारे में बताया गया है, यानी कोई व्यक्ति खाद्य या पेय पदार्थ की सामग्री में किसी प्रकार का मिलावट करता है, जैसे आपको मालूम होगा जब दीपावली का समय आता है तो मिठाइयों के खोवे में मिलावट की जाती है। ठीक, पेय पदार्थ मतलब जो पेप्सी थम्सअप हो गए, इसमें भी आज के डेट में बहुत सारी मिलावटें की जाती है, यदि इस प्रकार का कोई मिश्रण किया जाता है, कोई मिलावट किया जाता है खाद्य सामग्री या पेय पदार्थ में, तो उस कंडीशन में 6 माह और 1000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है इस दंड संहिता के अंतर्गत। धारा 274 यदि कोई औषधि, मतलब कोई मेडिसिन में यदि कोई किसी प्रकार का मिलावट करता है, मतलब नकली दवाइयां बनाता है, नकली दवाइयां बनाकर के बेचता है, तो उस कंडीशन में अपराध सिद्ध होने पर भी आपके 6 माह की सजा और 1000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। ठीक, अब नेक्स्ट जो सेक्शन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सीएमओ के दृष्टिकोण से। मैंने जो आपका टेस्ट इसके लिए ऊपर बनाया था, आपका मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन को जो आपको सेट दिया था, ये 2 क्वेश्चन मैंने उसमें दिए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, पहले के भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखिए ये क्या है, जल स्रोतों या जलाशयों को दूषित करना। आप सभी को मालूम है कि हमारा एक टॉपिक ये भी था जिसका मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया था, उसमें क्या था, जल प्रदूषण निर्धारण एवं नियंत्रण अधिनियम और एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये दोनों हैं, दोनों यहीं पर है। ठीक, अगर कोई व्यक्ति जल स्रोतों या जलाशयों को दूषित करता है, प्रश्न क्या पूछा गया था, मतलब जल प्रदूषण निर्धारण एवं नियंत्रण संबंधित अपराध आईपीसी के किस धारा के अंतर्गत बताया गया है, तो वो है आपका धारा 277 के अंतर्गत। इसमें अगर कोई जलाशयों को या जल को प्रदूषित करता है या जल को दूषित करता है, तो उस कंडीशन में आईपीसी की धारा 277 के अंतर्गत उसे 3 माह की सजा या 500 रुपए के जुर्माना, दोनों का प्रावधान है। ठीक, वैसे ही पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित सेक्शन है आपका धारा 278। धारा 278 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति वायुमंडल को दूषित करता है, तो उस कंडीशन पे यहाँ पे केवल जुर्माने का प्रावधान है 500 रुपये। ठीक, मतलब जैसे क्या है, बहुत सारे कचरे का ढेर है, उसी को आग लगा दिया, या कोई आपका प्लांट है वहां से भारी मात्रा में, वैसे तो प्लांट के मामले में आपका एनजीटी मीन्स नेशनल आपका ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये उसके अंडर में आता है, लेकिन
एक एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हैं कि अगर भारी मात्रा में कोई वायुमंडल को दूषित कर रहा है तो उस कंडीशन में उसे धारा 278 के अंतर्गत दोषी समझा जाएगा, अपराधी समझा जाएगा, उस पर 500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट है, दोनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है, दोनों सेक्शन को याद रखिएगा। ठीक, देखिए नेक्स्ट है आपका अध्याय 15, जिसमें धर्म से संबंधित मामलों में आपके अपराध के बारे में बताया गया है। ये आता है आपका सेक्शन 295 से लेकर 298 तक का। इसमें एक ही सेक्शन इंपॉर्टेंट है, धारा 295। धारा 295 के अंतर्गत बताया गया है किसी वर्ग के अपमान करने, किसी वर्ग के, वर्ग से मतलब यहां धर्म वाले वर्ग की बात करिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ठीक, और भी कई धर्म है, बौद्ध जैन, कोई भी धर्म हो सकता है, किसी वर्ग के अपमान करने के आशय से, यहां क्या बोल रहा है, अपमान करने के आशय से उनके उपासना स्थल, उपासना स्थल मतलब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ठीक, चर्च, तो वो है उनके उपासना स्थान को क्षति पहुंचाता है या उन्हें अपवित्र करता है तो उसे अपराध समझा जाएगा। अपवित्र करता है, जैसे मस्जिद में शराब ले जाना मना है, ठीक, और आपका क्षति पहुंचाता है, जैसे आपके मंदिर परिसर को तोड़ रहा है कोई व्यक्ति, तो उस कंडीशन पे उसे अपराध समझा जाएगा धारा 295 के अंतर्गत। किसी वर्ग, किसी वर्ग मतलब किसी भी धर्म का व्यक्ति है, किसी भी धर्म का अगर अपमान करने के उद्देश्य से कोई व्यक्ति उनके उपासना स्थल मतलब धार्मिक स्थल को क्षति पहुंचाता है या उसे अपवित्र करता है तो उसे अपराध समझा जाएगा। धारा 295A, धारा 295A के अंतर्गत धार्मिक भावनाओं को क्षति, धार्मिक भावनाओं को क्षति मतलब यदि कोई व्यक्ति के कथन से, बोलने मात्र से किसी की धार्मिक भावनाएं आहत होती है, जैसे समझ लीजिए कोई व्यक्ति अपने कथन से किसी एक पर्टिकुलर धर्म को टारगेट करते हुए कुछ ऐसा कथन बोल देता है जो कि उनकी धार्मिक भावनाओं को क्षति पहुंचा रहा है, ठीक, आए दिन ऐसे सुनने के लिए मिलेगा, तो उसमें क्या है, उस कंडीशन पे भी उसे अपराध माना जाएगा। यहां क्या है, उनके उपासना स्थल को यदि मतलब पर्टिकुलर उनके उपासना स्थल को, उस धर्म को या उस वर्ग को आपका अपमान करने के आशय से उनके उपासना स्थल को यानी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च इत्यादि को वो क्षति पहुंचाता है या अपवित्र करता है तब भी अपराधी माना जाएगा, या अपने कथनों से या आपके सोशल मीडिया के थ्रू हो गया या कुछ भी हो, किसी भी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति विशेष धार्मिक भावनाओं को यदि क्षति पहुंचाता है, धार्मिक भावनाओं को यदि क्षति पहुंचाता है अपने कथनों के माध्यम से, तो भी उस व्यक्ति को अपराधी समझा जाएगा। ठीक, तो चलिए आज के वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद का जो दो वीडियो है, नेक्स्ट दो वीडियो अध्याय 16 और अध्याय 17 काफ़ी बड़ा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं, तो नेक्स्ट जो दो वीडियो है वो थोड़े लंबे आएंगे, नेक्स्ट एक दो वीडियो में आपका ये समाप्त हो जाएगा ऐसा उम्मीद तो लग रहा है, जल्दी से जल्दी आपका समाप्त कराने का कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।